हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक तो शादी और पार्टियों का सीज़न है, ऊपर से सर्दियां भी हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग सर्दी और खांसी से परेशान होते हैं। हम कितनी भी दवाइयां ले लें पर सर्दी और खांसी जाती नहीं, फिर से लौट कर आ जाती है। आज मैं आपको दो होम रेमेडी बताऊंगी, इससे खांसी और कफ में मिनटों में आराम मिलेगा। इसके लिए हम लेंगे 250 ग्राम अदरक। अदरक पुराना ही लें। अदरक को अच्छे से वॉश कर लें ताकि उसकी पूरी मिट्टी निकल जाए। अब चाकू की मदद से हम इसका छिलका निकाल लेंगे। अदरक में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे सर्दी और खांसी में आराम मिलता है। अब अदरक को रफली चॉप कर लें। ऑलमोस्ट सभी होम रेमेडीज़ में अदरक या अदरक के जूस को यूज़ किया जाता है। अदरक खाने से डाइजेशन और भूख इम्प्रूव होती है। अब कटे हुए अदरक में हम आधा कटोरी के करीब पानी डालेंगे। अब इसे हम ग्राइंडर में चलाएंगे। जब तक अदरक का महीन पेस्ट नहीं बन जाता तब तक हमें इसे पीसना है। इसके लिए हमें 10 से 15 मिनट तक लगेंगे। अब पिसे हुए अदरक को एक छलनी में निकालकर इसका जूस निकालेंगे। मेजरिंग कप से ये आधा कप अदरक का जूस है। अब इस जूस को हम एक कढ़ाई में डालेंगे। अदरक के जूस को धीमी आंच पर उबालना है। जूस को उबालते समय लगातार करछी से हिलाएं। अदरक के जूस को हमें तब तक उबालना है जब तक ये हल्का गाढ़ा ना हो जाए। अब हम इसमें मेजरिंग कप से एक कप शहद डालेंगे। अब अदरक के जूस और शहद को अच्छे से मिलाएं और धीमी आंच पर उबलने के लिए छोड़ दें। जब तक ये उबल रहा है हम दूसरी तैयारी करते हैं। तवे को हल्का गर्म होने दें और इसमें 15 से 20 लौंग डालें। लौंग को धुआं उठने तक हमें भूनना है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारी लौंग का टेक्सचर चेंज होने लगेगा। जब लौंग पूरी तरह से अपना कलर चेंज हो जाए तब इसका हम पाउडर बनाएंगे। अब उसी तवे पर हम दो छोटे टुकड़े सुहागा के डालेंगे। ये आपको कोई भी ग्रॉसरी स्टोर पर मिल जाएगा। इसे बिल्कुल भी ज़्यादा ना डालें क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। इसे भूनते समय गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखें। अदरक और शहद के घोल में हल्का उबाल आ गया है। अब इसमें हम लौंग का पाउडर डालेंगे। लौंग का पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छे से स्टर करेंगे जब तक कि लौंग शहद और अदरक के घोल में मिल ना जाए। जब तीनों चीज़ें अच्छे से उबल जाए तब हम इसमें सुहागा का पाउडर डालेंगे। सुहागा पाउडर डालने के बाद हमें इसे फिर से अच्छे से उबाल देना है। इन सभी चीज़ों को उबालते समय लगातार करछी से चलाते जाएं। जब ये हल्का गाढ़ा हो जाए तो आप गैस की फ्लेम बंद कर दें क्योंकि ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे ढककर ठंडा होने के लिए रख दें। आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये कितना गाढ़ा हो गया है। अब इसे हम एक कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। आप इसे बहुत सालों तक इसी तरह स्टोर करके रख सकते हैं। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रखें। फ्रिज में ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। एक चौथाई चम्मच सोने से पहले इसे खाएं। इसे खाने के बाद बिल्कुल भी पानी ना पिएं। मैं सर्दियाँ शुरू होने से पहले इसे ज़रूर बनाती हूँ। आप भी इस होम रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। दूसरी जो होम रेमेडी है उसे मैंने जूस निकालने के बाद जो अदरक बचा था उससे बनाई है। एक चम्मच काली मिर्च को हल्का भूनकर मिक्सर में डालें। आधी कुटी हुई मुलेठी डालें। 5 से 6 लौंग हल्का भून कर डालें। अब सभी चीज़ों को मिक्सर में डालकर पीसें। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक हाई स्पीड पर पीसना है। अब इस पाउडर को एक प्लेट में निकाल कर अलग से रख देते हैं और बाकी तैयारी करते हैं। अब कढ़ाई में एक कटोरी गुड़ लें।
मैंने यहाँ मार्केट में जो गुड़ मिलता है वही यूज़ किया है। अगर आपको काला गुड़ मिल जाए तो वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, वो यूज़ कीजिए। अब इसमें हम 1/4 कप पानी डालेंगे। पानी डालने से गुड़ जल्दी पिघलेगा। धीमी आंच पर करछी से लगातार चलाते रहें जब तक कि हमारा गुड़ पिघल ना जाए। हमें गुड़ की कोई चाशनी नहीं बनानी, बस गुड़ को पिघलाना है। जब गुड़ पूरी तरह पिघल जाए तब हम इसमें जो पाउडर किया है उसको डालेंगे। पाउडर डालने के बाद हम इसे 1 मिनट तक धीमी आंच पर उबालेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच सौंठ का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अगर आपको कच्ची हल्दी मिलती है तो वो डाल सकते हैं। जूस निकालने के बाद जो अदरक बचा था अब हम उसे डालेंगे। अदरक डालने के बाद करछी से चलाएं ताकि ये गुड़ में पूरी तरह मिल जाए। अब इसे हमें तब तक उबालना है जब तक ये पूरी तरह गाढ़ा ना हो जाए और ये अपना रंग चेंज ना करे। इस घोल को गाढ़ा होने के लिए 4 से 5 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हैं हमारा घोल गाढ़ा हो गया है और कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसे छलनी से ढक दें। इसे प्लेट से ना ढकें नहीं तो गुड़ पानी छोड़ देगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये इस तरह गाढ़ा हो जाएगा। अब इसकी छोटी छोटी लुइयां बनाएं। रात में एक गोली खाएं पर उसके बाद पानी ना पिएं। इन गोलियों को खाने के बाद 5 मिनट में आपकी खांसी और कफ बंद हो जाएगा। दोनों होम रेमेडीज़ को मैं ट्राई कर चुकी हूँ, आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।